Write number 4. Here, upper 3 lines. Here, 1 finger space. R. 1 finger space. Now use blank. मैम ने कलर चेंज किया रेड कलर. ड्रॉ अ ब्लैंक. हेयर आर और लास्ट में फुल स्टॉप लाजमी यूज करेंगे. ठीक है, हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हेयर आर डियर ब्लैंक में डियर यूज करेंगे. ठीक है, राइट नंबर 5. नंबर 5 में स्टार्ट में ही ब्लैंक यूज करेंगे. ठीक है, ड्रॉ अ ब्लैंक. वन फिंगर स्पेस रैबिट्स. हम क्या राइट कर रही हैं, रैबिट्स. आर ए डबल बी आई टी एस रैबिट्स. वन फिंगर स्पेस R A R E R. One finger space eating. E A T I N G eating. अब यहाँ मैम के पास स्पेस नहीं है तो क्या करेंगी, मैं क्या कर रही हूँ, नीचे वाली लाइन में आगे का राइट कर दूंगी. तो अगर आपके पास भी स्पेस नहीं हो कहीं भी तो आप उसको नीचे राइट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम. कैरट्स सी ए डबल आर ओ टी एस. नाउ यूज फुल स्टॉप कैरेट्स. डैश रैबिट्स आर ईटिंग कैरेट्स. क्या यूज करेंगे, द. वी यूज द. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा देखिए, जब अभी मैंने आपको इंग्लिश की बुक में थीम बताई थी और हमने देखा भी था कि एलिफेंट क्या कर रहा है और डीर क्या कर रही है, रैबिट क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तो ये सारे वही वर्किंग है. ठीक है, सबको एकदम से जहन में आ गया होगा ना कि ये तो वही वर्किंग है जो मैम ने बुक में समझाई है. इसी तरह नीट एंड क्लीन राइट करेंगे. मैं आपको वन टाइम रीड करवा देती हूँ. दीज आर जग्स, ये जग हैं. दिस इज़ आ की, ये एक चाबी है. द मैन इज़ लाफिंग, जो मैन है आदमी है वो हंस रहे हैं. हेयर आर डियर, यहाँ पे हिरन हैं. द रैबिट्स आर ईटिंग कैरट्स, जो रैबिट्स हैं खरगोश हैं वो क्या खा रहे हैं, कैरट्स, गाजर खा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले वर्किंग देखें कि मैम की तरह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. तो इसी तरह आपको नीट एंड क्लीन वर्किंग करनी है वन टाइम एंड यहाँ पे सेकंड टाइम. टू टाइम्स आपको ये वर्किंग राइट करनी है और रीड भी करना है, इसको पढ़ना भी है. ओके स्टूडेंट, नाउ क्लोज योर इंग्लिश कॉपी. Take out your diary. Okay, student, this is your diary. Today is 1st December 2020. Date show कीजिएगा सबसे पहले डायरी के पेज पे, उसके बाद डायरी राइट करेंगे. मैं एज रीडर है, रीड पेज नंबर 15. मैम आपको रीड करवा चुकी हैं, आप अगेन एंड अगेन रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग और भी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आ जाएगी. ठीक है, इंग्लिश की वर्किंग करवाई है तो इंग्लिश में जो मैंने आपको फिल इन द गैप्स करवाए हैं 1 to 5 वही आपको करने हैं. कितनी बार, टू टाइम्स राइट करने हैं. इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 29, 30, 35 एंड 36 ये वाली वर्किंग करनी है. अच्छी तरह उसको समझना है, राइट करना है और कलर भी करना है. लर्न डिक्टेशन वर्ड्स बुक पेज नंबर 17. इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 17 पे नाउ लुक एट हेयर. ये देखिए इंग्लिश की बुक है आपकी, ये इंग्लिश की बुक है. ठीक है, ओपन योर बुक पेज नंबर 17. ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं. ठीक है, ये मैम आपको क्लास में लर्न करवा चुकी हैं. मैम आपको एक बार फिर रीड करवा रही हैं. यहाँ पे देखिए आई के वर्ड्स यूज़ किए हैं. आई फॉर इंकपॉट, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इन्फेंट, जे फॉर जग, जे फॉर जार, जे फॉर जूस. ये वाले वर्ड्स ये हैं, ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं जिसका यहाँ पे राइट नहीं हो. डिक्टेशन वर्ड्स वो राइट भी कर लीजिएगा. ठीक है, डिक्टेशन वर्ड्स ये वाली वर्किंग जो है सबकी हो चुकी है.
इनको याद कीजिएगा अच्छा अच्छा सा, और अपनी ट्यूशन कॉपी में इसका डिक्टेशन भी दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना अच्छा याद हो चुका है।